असलम वालेकुम। पी के अदारा में खुश आमदीद दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज दोस्तों बात करेंगे कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक खूबसूरत सा इंट्रो कैसे आप बना सकते हैं। तो इंट्रो बनाने के लिए दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिक्सल लैब और एक एरेजर बैकग्राउंड के लिए। तो ये दो एप्लीकेशन आपको शो हो रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो लंबी होने की वजह से मैं खातर मैंने ये पहले ही इंस्टॉल करके रखी है। तो आइए मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मैंने एक इंट्रो बनाया है अपने पीके दरा चैनल के लिए। तो आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पिक्सल ऐप को ओपन करना है। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक तरफ आपको ड्रॉ का ऑप्शन नज़र आएगा पेंसिल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फिर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह का कुछ आपके सामने न्यू टेक्स्ट शो होगा, तो आपने इसको ख़त्म करना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी आप अपने चैनल बनाना चाहते हैं यहाँ पे नाम लिखते हैं। मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ पी के ज़्यादा। तो ये देखें मैंने अपने चैनल का नाम लिखा और यहाँ पे आपको एक तरफ ओके का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने ओके कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा नाम लिखा हुआ नीचे आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसको साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ पे नीचे हम ए पे क्लिक करेंगे। ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसका फॉन्ट, पहले सबसे पहले हम इसका फॉन्ट देख लेते हैं या साइज देख लेते हैं। जितने भी साइज में आप रखना चाहें, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 100 101 पे रख के क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका कलर रखूँगा, जो भी आप कलर चेक करना चाहें, जो तीन कलर में जैसे रहें। और आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के कलर को शो होंगे। तो मैं यहाँ पे एक नीले कलर का कलर चॉइस कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फॉन्ट पे आ जाइए और अपना फॉन्ट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट पसंद करता हूँ, तो मैं यही रख लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने ये अपना फ़ॉन्ट रख लिया है, आप जो कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बहुत से ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, अगर आप कुछ स्लाइड शो इसका देना चाहें, कोई और रंग देना चाहें, 3D में करना चाहें। 3D में कैसे किया जाता है, जिस तरह आपको पता है दाएं तरफ या बाएं तरफ किया जाता है। तो वो करने के बाद आपने यहाँ पे हमारा ये इंट्रो, हमने नाम लिख लिया है, तो अब हम इसको सेव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको जो ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको एक सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेट और नीचे PNG और क्वालिटी जो आपने रखनी है वाई क्वालिटी में हमने इसको करना है, PNG में करेंगे। उसके बाद क्वालिटी जो है वो ऑलरेडी हमारी आई होगी, तो यहाँ पे हम हाई क्वालिटी में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे सेव टू गैलरी कर देंगे। तो ये हमारा चेंज हो चुका है।
अब हमने एक और यहाँ पे हमने लिखना है सब्सक्राइब लिखना है, तो यहाँ पे हम बैक का बटन दबाएंगे, फिर हम इसको पिक्सेल ऐप को ओपन करेंगे और उसी तरह हम एक राइट ऑप्शन में जाके यहाँ पे सब्सक्राइब लिखेंगे। सब्सक्राइब लिखने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेम उसी तरह नीचे फ़ॉन्ट पे आना है। फ़ॉन्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद आपने यहाँ से इसको कलर दे देना है फ़ॉन्ट को। जो भी देना चाहें, यहाँ मैं रेड दे देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे ए के साथ और तीसरे नंबर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको भी ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने ऊपर सेव ए प्रोजेक्ट आएगा और दूसरा सेव ए इमेज आएगा, तो आपने सेव ए इमेज पे क्लिक करके सेम उसी तरह की सेटिंग PNG में आपने हाई क्वालिटी में इसको सेव कर लेना है। तो ये हमारे दो प्रोजेक्ट सेव हो चुके हैं। अब हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद हम गैलरी में जाकर देखते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट सेव हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दो प्रोजेक्ट बनाए हैं, पी के अदारा और सब्सक्राइब। तो ये हम कैसे एंटर करेंगे काइन मास्टर में, उसके लिए दोस्तों हमें एक और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अब इस एप्लीकेशन में एलएसआर में बैकग्राउंड में ओके करना पड़ेगा। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक लोड ए फोटो का ऑप्शन शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो हमने अभी पिक्चर वहाँ पे PNG में सेव की थी, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमने डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से हमने इसको ऑटो पे करके यहाँ पे रख देना है और उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे हमने सेव कर लेना है और यहाँ पे आकर हमने फिनिश कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा हमने सेम उसी तरह करना है, उसको ओपन करना है, लोड ए फोटो करना है और उसके बाद हमने जो है वो पीके अदारा को सेलेक्ट करना है। सेम उसी तरह ऊपर डन करना है और नीचे ऑटो पे क्लिक करके यहाँ पे ये प्लस को थोड़ा सा नीचे रख के आपने डन कर देना है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और यहाँ फिनिश कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो दोनों आप इसमें सेव हो चुकी हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको काइन मास्टर में कैसे हम इंट्रो में डालेंगे। आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद ये जो पहला है ये हम डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, और हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद MPT प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। MPT प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले मीडिया ब्राउज़र में जाना है। मीडिया ब्राउज़र में जाने के बाद आपने यहाँ पे वो वाला इंट्रो जो हमारे फ़ोन में है खाली होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर से टिक कर देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इंट्रो चला के आपको दिखा देता हूँ। अब हमने जो वहाँ पे पिक्सेल ऐप से जो चैनल का नाम और सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दिया वो यहाँ पे हमने इसमें सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम इसको रोक लेंगे। यहाँ पे ये पट्टी नीली चल रही है, थोड़ा सा पीछे करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे हम इसमें वो नाम लिख देंगे। तो नाम कैसे हम इसमें डालेंगे, उसके लिए आपने लॉयर पे क्लिक करना है। लॉयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एरेसर पे क्लिक करने के बाद आपने वहाँ से एक पी के अदारा वाला नाम जो है वो आपने चैनल का, जिस तरह मैं अपने चैनल का बना रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने भी अपने चैनल का जो भी नाम होगा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के इसको बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ।
रखने के बाद यहाँ से मैं इसको ऊपर से डन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन इसको लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे वो अच्छी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे नॉन पे या रख लें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा चलाना है, चलाने के बाद यहाँ पे जब वो ख़त्म हो जाएगी नीली पट्टी, थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और हमें चलाना पड़ेगा। दोस्तों ये मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, आप अच्छी तरह भी इसको बना सकते हैं। आप बिल्कुल बआसानी से, आराम सुकून से, इससे भी बेहतर आप बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद पीके दाल को कट कर दिया। यहाँ से कट करने के साथ ही हमने फिर लॉयर पे जाना है, और उसके बाद फिर हमने एमएज पे क्लिक करना है, और दूसरी तस्वीर सब्सक्राइब वाला हमने सेलेक्ट करना है। सब्सक्राइब वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसको एनिमेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा इंट्रो अब चल चुका है, यहाँ से हम इसको और देंगे। मैं अभी प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा इंट्रो अब बन चुका है। तो यहाँ से हमने ऊपर वाले एक ऑप्शन है, तीर वाला निशान, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे शो होगा, यहाँ से आपने एक दफ़ा और क्लिक करना है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे शेयर वाले सिस्टम पे आपने आना है, और सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फुल एचडी में, ये 1920x1080 में करना है आपने, या 1280 में, 720 में करना है। तो आपने जिसमें भी करना है आप, यहाँ पे मैं फुल एचडी में कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा इंट्रो वहाँ पे सेव हो रहा है। सेव होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे इंट्रो हमारा बन चुका है, सेव हो गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। तो हम इसको बैक में जाकर आप गैलरी में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इंट्रो अभी मैंने बनाया है वो ये वाला आया है। आप दोस्तों इससे अच्छा इंट्रो बना सकते हैं, इससे भी खूबसूरत इंट्रो बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगले वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।